दोस्तों, अगर आपको चाहिए रेलवे, पुलिस, यूपी, SSSC, SSC, बैंक या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल, तो आप एक काम तुरंत कर लीजिए। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको रेलवे, यूपी, SSSC की लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। 9 अगस्त से रेलवे की परीक्षा शुरू हो रही है, असिस्टेंट लोगो पायलट और टेक्नीशियन की, जिसमें पदों की संख्या है 26,502 और 47 लाख छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसमें ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा है और इसमें तकरीबन 1 लाख पदों की बहाली होगी और 2 करोड़ जो छात्र है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये मीडिया में भी दिखा रहा है। एक तो मिनिस्टर साहब को ये क्लियर करना चाहिए। अब जब छात्रों को 9 अगस्त की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और डाउनलोड किए, तब पता चला कि ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन सेंटर जो है बेंगलोर है तो किसी का चेन्नई है, बिहार वालों का बेंगलोर है, किसी का मोहाली है। पटना के छात्र जबलपुर जा रहे हैं, कटिहार के मोहाली जा रहे हैं, आरा के हैदराबाद, तो बक्सर के चेन्नई जा रहे हैं। यही सिचुएशन राजस्थान और उत्तर प्रदेश की छात्रों के साथ भी यही चुनौती है। चूँकि बिहार के मैसेज बहुत ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए हम लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता चला है। कईयों ने रेल मंत्री को ट्वीट करके रोते हुए कहा है कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि हमारे एग्जाम छूट जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक एक तो उसमें 5-6 हज़ार का खर्च है, दूसरा टिकट वेटिंग में मिल रही है, तीसरा ट्रेनें बहुत लेट है और 9 अगस्त को एग्जाम है। तकरीबन 5-6 हज़ार जो पैसे हैं युवाओं के खर्च होंगे, क्योंकि इतनी दूर जाना है तो बच्चे 4 दिन पहले जाएंगे, वहाँ पर होटल का किराया, रहने का किराया और लगभग 5-6 हज़ार खर्च होंगे। कहने को कह सकते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कोई चौकीदार का बेटा है, कोई ठेला चलाने वाले का बेटा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें लगभग 15 से 3 हज़ार खर्च भी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि इस ऑनलाइन परीक्षा में जब कंप्यूटर में ही देनी है, तो क्यों नहीं आसपास के केंद्रों में इसकी व्यवस्था की गई। इस तरह जो जितने भी युवा हैं, उन्होंने 4-4 साल तक तैयारी की और ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद तीसरे दिन ही बैंक की भी परीक्षा है, तो ये युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर आप बिहार से हैदराबाद भेज रहे हैं, मोहाली से चेन्नई भेज रहे हैं, तो ये किस तरह का प्रोपोगंडा है? इसको निश्चित तौर से गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद।